हाय दोस्तों, वेलकम टू डे टू फ्रॉम अरकू ट्रिप। ये अरकू जो है विशाखापट्टनम का करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे। अल्ले मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार देख लीजिए। अब डे टू है, चेकआउट कर लिया अरकू से, लेकिन यहाँ सुबह सुबह जो एनवायरमेंट रहता ना मस्त रहता। यहाँ से चेकआउट करके अभी पहुँचूंगा वाइजैक, बस ले लूँगा और ऑन द वे कुछ प्लेसेस भी कवर है कवर करने के लिए, वो कवर करते हुए पहुँचूंगा मैं वाइजैक। और वहाँ पर भी आज ही कुछ प्लेसेस कवर करना है मुझे, फिर बाकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तो देखते रहिए। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं जो है अरकू में बस लेकर पहुंचा था बोर्रा के जंक्शन रहता है वहां पे तक, फिर वहां से ऑटो लिया, शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएंगे और फैमिली और साथ आए तो भी ऑटो मिल जाएगा आराम से आपको। ऑटो बोर्रा के जाने तक तो है करीब 300 रुपये और कार रहे तो करीब 500 रुपये चार्ज करेगा, आराम से 5-6 लोग बैठ सकते एक व्हीकल में। तो इसी रस्ते में क्या है ना, आगे की तरफ जाते हुए एक कटके वाटरफॉल्स बोल के एक नाम से, मतलब जो खूबसूरत वाटरफॉल्स है, तो पहले वाटरफॉल्स जाना है तो नॉर्मल व्हीकल इस तरफ नहीं जा सकते, तो इसके लिए अलग व्हीकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रुक के ना मैं अलग से व्हीकल लेके कटके वाटरफॉल्स कवर करके फिर यहाँ से आके इसी पॉइंट से दूसरा व्हीकल लेके मैं जाऊँगा बोर्रा केव्स। तो देखते रहिए, अब बाकी डिटेल्स तो दिखाऊंगा आपको। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं ये कटके वाटरफॉल्स के जाने के रास्ते में। जो पीछे व्हीकल दिख रहा ना आपको, वो वाला व्हीकल करीब पर पर्सन 300 रुपये चार्ज करते हैं अगर 5 लोग ऐसे है तो। मैं तो सोलो ट्रैवल कर रहा था, दूसरे फैमिली के साथ मिलके जा रहा था, शेयरिंग बेसिस पे। मतलब नॉर्मली जो व्हीकल जो है 2000 रुपये चार्ज करते हैं ग्रुप ऑफ 10 पीपल्स के लिए, अगर आप कपल्स या एक या दो लोग है तो आप पूरा व्हीकल हेयर कर सकते हैं करीब 1500 रुपये इसके। करीब 10 मिनट ड्राइव है, फिर यहाँ से थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। हाय दोस्तों, ये है कटकी वाटरफॉल्स।
जहाँ पे हमें व्हीकल ड्रॉप करता है वहाँ से करीब 10 मिनट चलना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं, थोड़ा मेहनत करें तो चल जाएगा काम। बस यहाँ पे आके ये खूबसूरत वाटरफॉल इंजॉय करिए। करीब हमको व्हीकल वाला जो है 1 आवर से लेकर 2 घंटे तक टाइम देगा यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, फिर वापस हमें व्हीकल के पास पहुँच के व्हीकल कैच करना पड़ेगा। फिर एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिए, फिर वहाँ से पहुँचेंगे हम बुर्रा केव्स। हाय फ्रेंड्स, मिशन में पहुंच गया हूँ बुर्रा केव्स के पास। ये जो कटकी वाटरफॉल से जहाँ ड्रॉप करते हैं ना व्हीकल, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे आप ऑटो ले लीजिए, आराम से 100 रुपये में हो जाएगा काम। क्योंकि आज वीकेंड है, संडे है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ी है यहाँ पे, तो अभी मैं अंदर तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि टिकट लेने में कम से कम एक तो करीब 1 घंटा लग जाएगा, और टिकट लेने के बाद फिर अंदर जाने में करीब 1 घंटा लग जाएगा। अभी 2 घंटा यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मेरे लिए तो नहीं होगा। बैक टू वाइजाग और बाकी डिटेल्स वाइजाग जाने के बाद दूंगा मैं। हाय गाइस, मैं पहुंच गया हूं वाइजाग बीच के पास। तो अरकुस से जो है निकल के मैं बुर्रा केव्स सब कवर कर लिया था, फिर वहां से बस लिया था, बस लेके पहुंचा वाइजाग। करीब 3.5 घंटे 4 घंटे तो जर्नी लग गया था, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि वीकेंड पे मेनली सैटरडे संडे और जब भी 3-4 छुट्टी मिल के आते हैं ना उस टाइम पे अरकू अवॉइड करिए बिल्कुल। तो जब भी मौका मिलता है वर्किंग डे पे जाने की कोशिश करिए, आपको टाइम भी बचता है और आराम से आप ट्रिप भी एंजॉय कर पाएंगे। तो बस वाले ने करीब 65 रुपीज़ चार्ज किया था बुर्रा केव से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक आने के लिए, वाइजाग तक आने के लिए। फिर वहाँ से ऊबर लेके मैं पहुँचा आर के बीच के पास। यही आर के बीच में जो है देवी टेम्पल के बगल में है मिस्टर बाइक रेंटल्स, यहाँ पर बाइक रेंट लिया हूँ करीब 400 रुपये में। फिर यहाँ पर जो है लोकल साइड सीइंग पूरी यही स्कूटी यूज़ करके करने वाला हूँ। 400 रुपये चार्ज कर रहा है पर डे, स्पीड लिमिट 60 to 65 किलोमीटर्स और पर डे लिमिट है 100 किलोमीटर्स। फिर यहाँ से मैं होटल पहुँच के बाकी डिटेल्स में दूंगा आपको। हाय गाइस, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ होटल रूम पे। आरके बीच में जो है हॉलीडे होम बीच होम बोल के एक होटल है, वहाँ पे गया था, बीच के पास ही रहता है तो वहाँ पे रूम्स फुल हो गया। उसी के पास में हैप्पी होम होम स्टे बोल के है। इन दोनों होटल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक कर लीजिए। तो ये करीब 1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं नॉन एसी रूम के लिए डबल ऑक्यूपेंसी का। और ये होटल बीच के बहुत पास ही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कितना पास है वो दिखा दूँगा, क्योंकि अभी तो अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखेगा नहीं बाहर। तो अभी वो एक बार होटल का तो और भी देख लीजिए। गाइस, हियर इज द रूम, बेड, लॉन्ड्री एंड टीवी आल्सो। वाह, व्हाट डिजाइन, व्हाट वार्डरोब्स। लाइटर देख लिया ना होटल का ओवरव्यू। सो अभी से इसके पास में INS सबमरीन बोल के है, उसका पास से लेंगे और वो कवर कर लेंगे। हाय दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूँ INS, मतलब इस सबमरीन जो है इसका नाम है कुरसुरा INS। एग्जैक्टली है वाइजाग आर के बीच के में है। इसकी एंट्री फी जो है 40 रुपये, मंडे से लेकर सैटरडे तक जो है सिर्फ दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 8:30 तक ओपन रहता है। अगर संडे के दिन है तो
सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर 10 बजे तक ओपन रहता है, 10 बजे ना सॉरी 8:30 PM तक। तो एक और इसके तो एंट्री फी तो 40 रुपये बताया और बच्चे का 10 रुपये। ये कवर करने के बाद इसका एक बार और दिखा देख लीजिए, इसका वो भी देखने के बाद इसके एग्जैक्टली सामने जो है एयरक्राफ्ट म्यूजियम है, उसको भी कवर कर लेंगे। वाइजैक तक का वीडियो, बाकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा कल सुबह सुबह फ्रेशली। तो ये जो एयरक्राफ्ट म्यूजियम देख के ना यहाँ पे वीडियो एंड कर दूंगा। अभी तक कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ उसमें डाउट है तो कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।